राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव के परिवार पर सीबीआई और ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। एक बार फिर लालू यादव के दामाद शैलेश कुमार को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। मामले में पूछताछ के लिए शैलेश कुमार ईडी कार्यालय दिल्ली में पहुंच चुके हैं। बता दें कि इससे पहले बेनामी संपत्ति मामले में फंसे लालू के दामाद शैलेश कुमार से ईडी ने 8 जुलाई को लगातार 9 घंटे तक पूछताछ की थी। शैलेश को सैनिक फार्म में लेकर किसी दूसरी अज्ञात जगह पर ले जाकर पूछताछ की गई थी। गौरतलब है कि मंगलवार को लालू की बेटी मीसा भारती से भी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 8 घंटे तक पूछताछ की थी। पूछताछ के बाद ईडी ने शैलेश के कागजात, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मोबाइल को जब्त कर लिए थे और हाल ही में आयकर विभाग ने अपनी जांच में करीब 180 करोड़ रुपए बाजार मूल्य की बेनामी संपत्ति को अटैच किया था। इससे पहले लालू फैमिली के कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी भी की थी। यह छापा लालू यादव के घर और ठिकानों पर सीबीआई के छापेमारी के सिर्फ 24 घंटे के अंदर उनकी बेटी मीसा भारती के 3 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छापा मारा। इसके तहत दिल्ली के सैनिक फार्म इलाके स्थित फार्म हाउस विजवासन और विटोरनी में उनके ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में यह छापेमारी की गई है। उनके सैनिक फार्म हाउस की कीमत 50 करोड़ मनी जाती है और यह 2 एकड़ में फैला हुआ है। नेक्स्ट नाइन न्यूज के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।